हरे कृष्णा दोस्तों, कृष्ण संगीत चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो अधिक मास आ रहा है वो क्या होता है, कब से शुरू हो रहा है, उसमें प्रमुख तिथियां कौन कौन सी हैं और इस महीने में हमें जब तक पूजा पाठ स्नान ध्यान कैसे करना है, वो सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको कम्प्लीट जानकारी मिल पाए अधिक मास के बारे में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग कहेंगे कि अधिक मास क्या होता है। हिंदू पंचांग के हिसाब से जब एक महीना अधिक होता है तो उसे अधिक मास कहते हैं। यह सभी महीनों में जो 12 महीने होते हैं सबसे पवित्र माना गया है, इसीलिए इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। और अधिक मास को आपने सुना होगा कि मल्ल मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का महीना है, साक्षात भगवान विष्णु का महीना है। तो इस महीने में आप भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करें, उसी बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि यह महीना कब से लग रहा है। दोस्तों, इस वर्ष 2020 ये महीना लग रहा है 18 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक यह महीना चलेगा टोटल। इसमें जो मुख्य तिथियाँ आएंगी वो हैं जो मासिक दुर्गाष्टमी आती है, जो कि इस बार हम अधिक मासिक दुर्गाष्टमी होगी, वो होगी 24 सितंबर को। उसके बाद आएगी पद्मिनी एकादशी जो कि है 27 तारीख की। फिर आएगा प्रदोष व्रत जो कि है 29 तारीख का। फिर आएगी पूर्णिमा जो कि है 1 अक्टूबर की। फिर आएगी परमा एकादशी जो कि है 13 तारीख की। फिर आएगा प्रदोष व्रत जो कि है 14 तारीख का। फिर आएगी अमावस्या जो कि है 16 अक्टूबर की। अब हम आपको बताएंगे कि आपको इस महीने में पूजा पाठ कैसे करनी है। दोस्तों, यह जो महीना है भगवान विष्णु को समर्पित है, मतलब भगवान विष्णु ने इसको अपना नाम दिया है, जैसे कि हम कहते हैं पुरुषोत्तम मास। तो भगवान विष्णु को हमें कैसे प्रसन्न करना है, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम भगवान, अगर आप चाहें तो पूरे महीने में भगवान को पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, नहीं तो आप कच्चे दूध से भी, गाय के दूध से भगवान को स्नान आदि करा सकते हैं। उसके बाद भगवान को चंदन, रोली, चावल चढ़ाइए, तिल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, तुलसी दल चढ़ाइए, उनको सुंदर पीले वस्त्र पहनाइए, पीला जनेऊ पहनाइए भगवान को, और सुंदर उनको भोग लगाइए, फलों का, खीर का, जो भी आप उनको प्रेम पूर्वक भावपूर्वक चढ़ा सकें। दोस्तों, इसमें आप भगवान शालिग्राम की भी बटोलिया का पूजन कर सकते हैं, और आप लड्डू गोपाल, राम, कृष्ण किसी का भी पूजन कर सकते हैं। और क्योंकि ये तो भगवान कृष्ण का महीना है, पुरुषोत्तम मास है, तो आप स्पेशली इस महीने में जप कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। अगर आप दीक्षित हैं तो आप अपने गुरु मंत्र का जाप कीजिए, और आप दीक्षित नहीं हैं तो आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। भगवान विष्णु के जो मंत्र हैं वो हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ कि आपको पूजा पाठ जप कैसे करना है। अगर आप दोस्तों, अगर आप नियम लेना चाहें तो पूरे महीने में आप हवन का भी नियम ले सकते हैं, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, तो आपको जो हवन करोगे डेली, तो जिससे आपके जो घर में वातावरण है वो भी बहुत पवित्र रहेगा और एकदम शुद्ध पवित्र वातावरण रहेगा। तो आप हवन का भी नियम ले सकते हैं। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना भगवान का नाम जप कीजिए, क्योंकि ये तो कलयुग है, कलयुग में नाम जप का बहुत अधिक महत्व है। और दोस्तों, जैसे कि आप रोज़ अगर 4 माला करते हैं तो आप अधिक मास में कम से कम 8 माला कीजिए, मतलब जप को थोड़ा बढ़ाइए इस महीने में। और दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके आप दान कीजिए इस महीने में, क्योंकि यह महीना जप तप पूजा पाठ दान के लिए ही बना है। इसमें कोई मांगलिक कार्य नहीं होते, जैसे शादी विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत संस्कार आदि और इनॉग्रेशंस वगैरह नहीं होते हैं इस महीने में। यह महीना पूरा भगवान की पूजा में आप समर्पित कीजिए, भक्ति को समर्पित कीजिए। इस महीने में आप दान भी कर सकते हैं। दोस्तों, दान की जो वीडियो है वो हम आपको एक अलग से देंगे, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि आपको एक एक दिन के हिसाब से क्या क्या स्पेशल दान करना है। अगर आपको वो नहीं करना है तो आप डेली कुछ ना कुछ दान कर सकते हैं, या नहीं तो दोस्तों आप एकादशी को दान कर सकते हैं फल वगैरह का। द्वादशी के दिन आप अन्न का दान कर सकते हैं, जैसे कि आप हर महीने करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपको स्नान और व्रत कैसे करना है। तो जैसे दोस्तों आप कार्तिक के माह में स्नान करते हैं, वैसे ही हम इस महीने में स्नान करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उसके बाद आपके अगर आपके घर के आसपास कहीं नदी है तो आप वहाँ जाके स्नान कीजिए, नहीं तो आप अपने घर पर गंगा जल आदि डाल के भी स्नान कर सकते हैं।
स्नान आदि करने के बाद आप अपने नित्य कर्म की पूजा कीजिए। इस महीने में तुलसी और पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो आप नियम के साथ इस पूरे महीने में तुलसी और पीपल की पूजा कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि संडे को पूजा नहीं करनी है, इससे हमारा नियम भंग नहीं होता है, क्योंकि संडे को तुलसी और पीपल को छुआ नहीं जाता है। तो दोस्तों उस दिन आप कुछ भी पूजा नहीं करेंगे तुलसी और पीपल की संडे के दिन। तो दोस्तों ये भी आप कर सकते हैं, तो पूजा हमने बताई दी है आपको। दोस्तों व्रत की बात करें तो इस महीने का जो व्रत है वो आप या तो आप एक समय भोजन करके ले सकते हैं, या फिर अगर आपसे नहीं रहा जाता तो आप शुद्ध सात्विक भोजन लीजिए। और वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक समय फल ले लीजिए, एक समय आप भोजन ले लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। और ध्यान रखिए दोस्तों इस महीने में हमें मसूर की दाल, बैंगन आदि तामसिक जैसे लहसुन प्याज माँस मदिरा हुए ये सब हमें नहीं लेने होते हैं। और आप चाहें तो स्पेशली इस महीने में दीपदान कर सकते हैं, तुलसी में पीपल में भगवान कृष्ण के आगे आप दीपक जला सकते हैं, या आपके घर के आसपास कोई मंदिर है वहाँ पर आप जाके दीपदान कर सकते हैं। इसका भी विशेष महत्व होता है पुरुषोत्तम मास में। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप ज़मीन पर सोएं तो आपको अनंत फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों पुरुषोत्तम मास में यह विशेष मंत्र है जो आपको देगा अक्षय पुण्य फल। तो दोस्तों ये मंत्र है, इसका आपको जाप करना है जितना हो सके अधिक से अधिक, जिससे आपको अक्षय फल की प्राप्ति हो। और दोस्तों इस महीने में अगर आपसे नियम ले सको तो आप एक किताब आती है पुरुषोत्तम मास के महात्म की किताब, उसमें आपको एक एक अध्याय पढ़ना होता है डेली 31 दिन का दोस्तों। तो आपको दोस्तों वो पढ़ना होगा, जैसे कि एकम मतलब आप प्रतिपदा के दिन एक अध्याय पढ़ेंगे, फिर द्वितीया के दिन एक अध्याय पढ़ेंगे, ऐसे करके वो किताब चलती है। उसमें आपको 31 अध्याय होते हैं वो आपको पढ़ने होते हैं, जिसकी की फ़ोटो आपको शेयर कर देंगे, वो आप पढ़ सकते हैं। आप गीता का पाठ कर सकते हैं एक एक अध्याय डेली का, या जितना भी आप पढ़ना चाहें श्रीमद् भागवत का, श्रीमद् देवी भागवत, नारद पुराण, मतलब भगवान विष्णु इसमें भी जिसमें जिस देवी देवी देवता में आपको भक्ति है आप उनका पूजा पाठ कर सकते हैं, आप अपने इष्ट का पाठ कर सकते हैं। दोस्तों जितना भी आप पाठ कर सकें, भगवान का नाम जाप कर सकें, उनकी महिमा का वर्णन गायन कर सकें, वो आप कर सकते हैं। बहुत अधिक से अधिक फल मिलेगा दोस्तों आपको। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो में जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्णा।